फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दत्तीस रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसी रेसिपी सीखने जा रहे हैं जो मेरे दादी मेरे नानी हमेशा मुझे खिलाया करते थे। फ्रेंड्स, गर्मियों में जो गर्म हवा से लू लग जाती है तो उससे बचने के लिए ये हमें हमेशा खिलाया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कांदा और केरी का कचुंबर। नॉर्मली ऑनियन जो है वो हमें लू लगने से प्रिवेंट करता है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज बनाते हैं कांदा केरी का कचुंबर। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के ऑनियन लिए हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हो सके इतना बारीक कीजिए, अगर बारीक नहीं होता है तो मोटा मोटा भी चलेगा। उसके साथ मैंने आधा मैंगो लिया है, आधा मीडियम साइज का मैंगो लिया है। आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कच्चे आम का अच्छे से डाइसेस कर लेना है उसका स्किन निकाल के। बस उसके साथ है हमारा अचार मसाला। अचार मसाला ऑप्शनल है, अगर अचार मसाला नहीं है तो आप लाल मिर्च और धनिया जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नमक है, नमक 1/4 टेबलस्पून ही लिया है। और ये है थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देने के लिए शक्कर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाते हैं कचुंबर। सिंपली इसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे कांदा, कैरी, अचार मसाला, नमक और शुगर। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें आधे घंटे तक फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा होगा और उसके बाद इसका टेस्ट एकदम ही निखर के आएगा। रेडी है हमारा कांदा केरी का कचुंबर, जो आपको धूप में बहुत ही प्रिवेंट करेगा लू लगने का प्रॉब्लम से। तो आप अपने बच्चों को जरूर खिलाइए, आप भी खाइए और देखते रहिए मेरा चैनल दत्तीस रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।